आलस्य भक्त अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम दास मलुक कह गए सबका दाता राम। प्रिय ठलुआ वृंद, यद्यपि हमारी सभा समता के पहियों पर चल रही है और देवताओं की भांति हम में कोई छोटा बड़ा नहीं है, तथापि आप लोगों ने मुझे इस सभा का पति बनाकर मेरे कुंवारेपन के कलंक को दूर किया है। नरपति और सेनापति होना मेरे स्वप्न से भी बाहर था। नृपति नहीं तो नारीपति होना प्रत्येक मनुष्य की पहुंच के भीतर है, किंतु मुझ ऐसे आलस्य भक्त के लिए विवाह में पाणी ग्रहण तक का तो भार सहन गम्य था। उसके आगे 7 बार अग्नि की परिक्रमा करना जान पर खेलने से कम न था। जान पर खेलकर जान का जंजाल खरीदना मूर्खता ही है। अल्पश्य है तोर बहु हाथों में छंद विचार मुड़ प्रतिभासी में त्वम का कथन मेरे ऊपर लागू हो जाता। ब्याह भला की कमारा वाली समस्या ने मुझे अनेक रात्रि निद्रा देवी के आलिंगन से वंचित रखा था, किंतु जब से मुझे सभापतित्व का पद प्राप्त हुआ है तब से यह समस्या हल हो गई है। आलसी के लिए इतना ही आराम बहुत है। यद्यपि मेरे सभापति होने की योग्यता में तो आप लोगों को संदेह करने के लिए कोई स्थान नहीं है, तथापि आप लोगों को अपने सिद्धांतों को बतला अपनी योग्यता का परिचय देना अनुचित न होगा। वैसे तो आलसी के लिए इतने वर्णन का भी कष्ट उठाना उसके धर्म के विरुद्ध है, किंतु आलस्य के सिद्धांतों का प्रचार किए बिना संसार की विशेष हानि होगी और मेरे भी पेट में बातों के अजीर्ण होने की संभावना है। इस अजीर्ण जन्य कष्ट के भय से मैंने अपने जीवा को कष्ट देने का साहस किया है। मनुष्य शरीर आलस्य के लिए ही बना है। यदि ऐसा न होता तो मानव शिशु भी जन्म से मृग शावक की भांति छलांगे मारने लगता, किंतु प्रकृति की शिक्षा को कौन मानता है। नई नई आवश्यकताओं को बढ़ाकर मनुष्य ने अपना जीवन अस्वाभाविक बना लिया है। मनुष्य ही को ईश्वर ने पूर्ण आराम के लिए बनाया है, उसी की पीठ खाट के उपयुक्त चोड़ी बनाई है जो ठीक उसी से मिल जाए। प्रायः अन्य सब जीवधारी पेट के बल आराम करते हैं। मनुष्य चाहे पेट की सीमा से भी अधिक भोजन कर ले, उसके आराम के अर्थ पीठ मौजूद है। ईश्वर ने तो हमारे आराम की पहले ही से व्यवस्था कर दी है, हम ही उसका पूर्ण उपयोग नहीं कर रहे हैं। निद्रा का सुख समाधि सुख से अधिक है, किंतु लोग उस सुख को अनुभूत करने में बाधा डाला करते हैं। कहते हैं कि सवेरे उठा करो क्योंकि चिड़िया और जानवर सवेरे उठते हैं, किंतु यह नहीं जानते कि वे तो जानवर है और हम मनुष्य हैं। क्या हमारी इतने भी विशेषता नहीं कि सुख की नींद सो सके। कहाँ शैया का स्वर्गीय सुख और कहाँ बाहर की धूप और हवा का असह्य कष्ट। इस बात के ऊपर निर्दय जगाने वाले तनिक भी ध्यान नहीं देते। यदि उनके भाग्य में सोना नहीं लिखा है तो क्या सब मनुष्यों का एक सा ही भाग्य है। सोने के लिए लोग तरसा करते हैं और सहस्त्रों रुपया डॉक्टरों और दवाइयों में व्यय कर डालते हैं, और यह अवैतनिक उपदेशक लोग स्वाभाविक निद्रा को आलस्य और दरिद्रता की निशानी बतलाते हैं। ठीक ही कहा है, आए नाग न पूजिए बामी पूजन जाए। लोग ये समझते हैं कि हम आलस्य से संसार का कुछ भी उपकार नहीं होता। मैं ये कहता हूँ कि यदि मनुष्य में आलस्य न होता तो वह कदापि उन्नति न करता और जानवरों की भांति संसार में वृक्षों के तले अपना जीवन व्यतीत करता। आलस्य के कारण मनुष्य को गाड़ियों की आवश्यकता पड़ी। यदि गाड़ियां न बनती तो आजकल वाष्पयान और वायुयान का भी नाम न होता। आलस्य के ही कारण मनुष्य को तार और टेलीफोन का आविष्कार करने की आवश्यकता हुई। अंग्रेजी में एक उक्ति ऐसी है कि नेसेसरी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, अर्थात आवश्यकता आविष्कार की जननी है, किंतु वे लोग यह नहीं जानते कि आवश्यकता आलस्य की आत्मजा है। आलस्य में ही आवश्यकताओं का उदय होता है। यदि आप स्वयं जाकर अपने मित्रों से बातचीत कर आवे तो टेलीफोन की क्या आवश्यकता थी। यदि मनुष्य हाथ से काम करने का आलस्य न करता तो मशीन को भला कौन पूछता। यदि हम आलसी लोगों के हृदय की आंतरिक इच्छा का मार्कोनी साहब को पता चल गया तो शीघ्र ही ऐसे यंत्र का आविष्कार जो जावेगा जिसके द्वारा हमारे विचार पत्र पर स्वतः
अंकित हो जाए करेंगे। फिर हम लोग बोलने के कष्ट से भी बच जाएंगे। विचार की तरंगों को तो वैज्ञानिक लोगों ने सिद्ध कर ही दिया है, अब कागज पर उनका प्रभाव डालना रह गया। दुनिया के बड़े बड़े आविष्कार आलस्य और ठलुआ पंते में ही हुए हैं। भाट साहब ने जिन्होंने की बाष्प शक्ति का आविष्कार किया है, अपने ज्ञान को एक ठलुआ बालक की स्थिति से ही प्राप्त किया था। न्यूटन ने भी अपना गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बेकारी में ही पाया था। दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी कल्पनाएं उन्हीं लोगों ने की हैं जिन्होंने चार पाई पर पड़े पड़े ही जीवन का लक्ष्य पूर्ण किया है। अस्तु संसार को लाभ हो या हानि हो, इससे हमको प्रयोजन ही क्या? यह तो सांसारिक लोगों के संतोष के लिए हमने कह दिया, नहीं तो हमको अपने सुख से काम है। यदि हम सुखी हैं तो संसार सुखी है। ठीक ही कहा है कि आप सुखी तो जग सुखी। सुख का पूरा पूरा आदर्श वेदांत में बतलाया है। उस सुख के आदर्श में पलक मारने का भी कष्ट उठाना महान पाप है। अष्टावक्र गीता में कहा है, व्यापारे खिद्यते यशु निमेशोन्मेशोरोपि तस्यालस्य दुरिणस्य सुखनान्यस्य कश्चित्। षोडश प्रकरण श्लोक 4। अर्थात जो पुरुष नेत्रों के निमेश उन्मेश के व्यापार यानी नेत्रों के खोलने मुन्ने में ही परिश्रम मानकर दुखित होता है, इस परम आलसी एवं ऐसे निष्क्रिय पुरुष को ही परम सुख मिलता है, अन्य किसी को नहीं। लोग कहते हैं कि ऐसे ही आलस्य के सिद्धांतों ने भारतवर्ष का नाश कर दिया है, परंतु वे यह नहीं जानते कि भारतवर्ष का नाश इसलिए नहीं हुआ कि वह आलसी है, वरन इसलिए कि अन्य देशों में इस आलस्य के स्वर्ण सिद्धांत का प्रचार नहीं हो पाया है। यदि उन देशों को भी भारत की यह शिक्षा दीक्षा मिल गई होती तो वे शैयाजन्य नैसर्गिक सुख को त्याग यहाँ आने का कष्ट न उठाते। यदि बिना हाथ पे चलाए लेटे रहने में सुख मिल सकता है तो कष्ट उठाने की आवश्यकता ही क्या? बेचारे अर्जुन ने ठीक ही कहा था कि युद्ध द्वारा रक्त रंजित राज्य को प्राप्त करके मैं आश्रय का भागी बनना नहीं चाहता। वे वास्तव में आराम से घर बैठना चाहते थे, किंतु वह भी श्री कृष्ण के बढ़ावे में आ गए और यशो लबस्व के आगे उनकी कुछ भी न चल सकी। फिर फल क्या हुआ कि सारे वंश का नाश हो गया। इस युद्ध का कृष्ण भगवान को भी अच्छा फल मिल गया, उनका वंश भी पहले की लड़ाई में नष्ट हो गया। महाभारत में कहा है कि दुखा दु द्विजते सर्व सुख सर्वस्य चेप्सी तम, अर्थात दुख से सब लोग भागते हैं एवं सुख को सब लोग चाहते हैं। हम भी इसी स्वाभाविक नियम का पालन करते हैं। इन सिद्धांतों से तो आपको प्रकट हो गया होगा कि संसार में आलस्य कितना महत्व रखता है, इसमें संसार की हानि ही क्या। मैंने अपने सिद्धांतों के अनुकूल जीवन व्यतीत करने के लिए कई मार्ग सोचे, किंतु अभाग्यवश वह पूर्णतया सफल न हुए। इसमें मेरा दोष नहीं है, इसमें तो संसार ही का दोष है, क्योंकि वह इन सिद्धांतों के लिए अभी परिपक्व नहीं है। अस्तु, वर्तमान अवस्था में बिना उद्योग के भी बहुत कुछ सुख मिल सकता है। उद्योग करके सुख प्राप्त किया तो वह किस काम का? आलसी जीवन के लिए सबसे अच्छा स्थान तो सफा खाने की चारपाई है। एक बार मेरा विचार हुआ था कि किसी बहाने से युद्ध क्षेत्र में पहुंच जाऊं तथा वहां पर थोड़ी बहुत चोट खाकर सफा खाने के किसी पलंग में स्थान मिल जाए, किंतु लड़ाई के मैदान तक जाने का कष्ट कौन उठावे, और बिना गए तो उन पलंगों का उपभोग करना इतना ही दुर्लभ है जितना पापी के लिए स्वर्ग। भाग्यवश मुझे एक समय ऑपरेशन कराने की आवश्यकता पड़ गई और थोड़े दिनों के लिए बिना युद्ध क्षेत्र गए ही मेरा मनोरथ सिद्ध हो गया, किंतु पूर्ण क्षीण होने पर सफा खाना छोड़ना पड़ा। मैं बहुत चाहता था कि मुझे जल्दी आराम न हो, किंतु डॉक्टर लोग मानने वाले जीव थोड़े ही हैं, अतिशीघ्र आराम करा के मुझे विदा कर दिया। मानो मेरे आराम से स्पर्धा होती थी, तब से फिर ऐसे सुअवसर की बाट जो रहा हूँ कि मुझे वही पलंग प्राप्त हो जहाँ पर की मल मूत्र त्याग करने के लिए भी स्थान छोड़ने का कष्ट न उठाना पड़े। खैर, अब भी जहाँ तक होता है मैं शैया की सेवा से अपने को विमुख नहीं रखता। मेरा सब कारोबार भोजन एवं कसरत भी उसी सुख निदान पलंग पर हो जाती है। कभी कभी नहाने धोने के लिए उससे वियोग होता है,
तो उसको एक आवश्यक बुराई समझकर जैसे तैसे स्वीकार कर लेता हूँ। धन्य है तिब्बत के लोग जिन्हें नहाने का कष्ट नहीं उठाना पड़ता। ईश्वर ने न जाने मेरा जन्म वहाँ क्यों नहीं दिया। तिब्बत का प्राचीन नाम त्रिविष्टप था, शायद इसी सु के कारण वही बैंकुट कहलाता है। बैंकुट को लोग क्यों चाहते हैं? क्योंकि वहाँ आलस्य धर्म का पूर्णतया पालन हो सकता है। वहाँ किसी बात का कष्ट ही नहीं उठाना पड़ता। कामधेनु और कल्प वृक्ष को ईश्वर ने हमारे ही निमित्त निर्माण किया है। आजकल कलयुग में और भी सुविधा हो गया है, अब स्वर्ग तक कष्ट करने की भी आवश्यकता नहीं। कल्प वृक्ष बिजली के बटन के रूप में महीतल पर अवतरित हो गया है। बटन दबाइए, पंखा चलने लगा, झाड़ू भी लग जाएगा, यहाँ तक कि पका पकाया भोजन भी तैयार होकर हाजिर हो जाएगा। बिना परिश्रम के चौथी पांचवी मंजिल पर लिफ्ट द्वारा पहुंच जाते हैं। ये सब आलस्य की ही आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए संसार में उन्नति का क्रम चला है, और उन्नति में गौरव मानने वाले लोगों को हम आलसियों का अनुग्रहित होना चाहिए। उपयुक्त व्यवस्था से प्रकट हो गया है कि आलस्य का इस संसार में इतना महत्व है। अब मैं आप महानुभावों के शिक्षार्थ एक आदर्श आलस्याचार्य का वर्णन कर अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि आप लोगों की पीठें शय्या के लिए बहुत ही उत्सुक हो रही होंगी। कहा जाता है कि एक बड़े भारी आलसी थे। वह जहां तक होता था हाथ के अपने उंगली को भी कष्ट नहीं देना चाहते थे। उनके मित्र वर्ग ने उनसे तंग आकर सोचा कि इनको जीवित ही कब्र की शांति में निद्रा का सुख प्राप्त करा दें। इस इरादे से वह उनको चारपाई पर रख ले चले। रास्ते में एक धनाढ्य महिला मिली। उसने जब यह शव सा जाता हुआ मनुष्य देखा तो उसका कुतूहल बहुत बड़ा, और उसने शय्या वाहकों से सब वृतांत पूछा। उस दयामय स्त्री ने हमारे चरित्र नायक से कहा कि आप मेरे यहाँ चलने की कृपा कीजिए, मैं आपको बिना कष्ट के ही भोजन आदि से संतुष्ट करती रहूंगी। हमारे आलस्याचार्य ने पूछा कि आप मुझे भोजन में क्या क्या देंगी। उस महिला ने बहुत से पदार्थों का नाम लिया, उनमें उबले हुए आलू भी थे। इस पर उन्होंने कहा कि आलूओं को छिलेगा कौन, लंच में कभी कभी बिना छिले ही आलू देते हैं। इस पर उस स्त्री को बहुत झुंझलाट आई। हमारे आलस्याचार्य ने कहा कि मैं तो पहले ही से जानता था कि आप मेरी सहायता न कर सकेंगी, और आपने व्रता मेरा समय नष्ट किया, नहीं तो मैं अभी तक आठरण आनंद भवन में प्रवेश कर चुका होता। इतना कहकर उन्होंने शय्या वाहकों को आगे चलने की आज्ञा दी। इस आदर्श को मूर्खता न समझिए। वेदांत का मोक्ष और बौद्ध निर्वाण इससे भिन्न नहीं है। वेद केवल इतना ही है कि इस प्रकार के जीवन को दार्शनिक रूप नहीं दिया गया है। इसलिए आप लोग जो इस सभा के सदस्य हैं, मेरे सिद्धांतों से सहमत हो निम्नलिखित प्रस्तावों को स्वीकार करें। यह सभा प्रस्तावित करती है कि भारत सरकार के कानून विभाग से यह प्रार्थना की जावे कि ताजी रात हिंद में एक धारा बढ़ाकर दिन रात में 10 घंटों से कम सोना दंडनीय बनाया जावे, क्योंकि कम सोने वाला मनुष्य आत्महत्या का दोषी होता है। यह सभा प्रस्तावित करती है कि जो लोग ताश खेलना नहीं जानते हैं अथवा जो लोग तंबाकू न पीते हों, उन लोगों पर आमदनी के 5% के हिसाब से कर लगाने की प्रार्थना की जावे। इससे सरकार की आमदनी बढ़ेगी। इसके सिवा लोगों को ठलुआपंती से अरुचि न होगी। यह सभा प्रस्ताव करती है कि जो लोग इस सभा में रुपया पैसा कमाने या और कोई उपयोगी बात जिसकी कीमत अन्य पाइयों में हो सकती है कहेंगे, वे इस सभा से बहिष्कृत कर दिए जाएंगे। प्रस्ताव करती है कि अमेरिका और इंग्लैंड की मोटर कंपनियों से निवेदन किया जावे कि भविष्य में जो मोटरें बनवाई जावे वे ऐसी हों कि उनमें पैर पसार कर लेटे हुए सफर कर सकें। इसके अतिरिक्त ऐसी छोटी छोटी मोटर मशीनें तैयार करवाई जाएं कि हमारी चारपाइयों में लगाई जा सके, और बटन दबाने से हमारी चारपाई एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके। पहले लोगों की कल्पना शक्ति अच्छी थी, वे वायुयान को उड़न खटोला कहते थे। खटिया नहीं तो खटोला अवश्य ही था। उड़न खटोला के स्थान में मोटर पलंगों की आयोजना संसार की उन्नति के लिए परम आवश्यक है। यह सभा प्रस्ताव करती है कि सरकार से यह प्रार्थना की जावे कि संसार में सबसे बड़े शांति स्थापन करता को जो नोबेल प्राइज मिलती है वह सबसे बड़े आलसी को दिया जावे,
क्योंकि आलसियों के बराबर संसार में दूसरा कोई भी शांति स्थापन करता हो ही नहीं सकता। यदि वह इनाम काम करने वाले शक्तिशाली पुरुष को दिया जाएगा तो वह कैंसर की भांति संसार में युद्ध की ज्वाला को प्रचंड कर पुरस्कारदाता की आत्मा को दुख देगा। तो दोस्तों, ये व्यंग रचना कैसी लगी?